DBM Group of Education admission open. Course offer pharmacy approved by AICTE. B pharmacy 4-year. D pharmacy 2-year. Pravesh Prarambh. Hamara pata DBM ITI Link Road, Jhanjgir. नमस्कार, मैं हूं जनकृति साहू और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीजी लाइव न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक दल का नेता बनने के बाद क्षेत्रीय विधायक नारायण चंदेल के बाद प्रथम जिला आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया। जांजगीर चांपा विधायक एवं प्रदेश महामंत्री को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बदलाव किया गया है। वहीं नारायण चंदेल को बड़ा अनुभव और संघर्ष तथा ओबीसी नेता होने का लाभ मिला है। निश्चित रूप से भाजपा को इस बदलाव से फायदा के काफ़ी आसार हैं। इधर जांजगीर चांपा प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं सहित भाजपा नेताओं में भारी उल्लास है। जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। नारायण चंदेल के जांजगीर पहुंचते ही बाइक रैली के माध्यम से कचहरी चौक पर पटाखा, ढोल, ताशा एवं फूल माला से उनका स्वागत किया गया। इसके बाद शहीद स्मारक में शहीदों को नमन कर विधायक कार्यालय उनकी रैली पहुंची। तत्पश्चात भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को नारायण चंदेल ने संबोधित किया। हम इस क्षेत्र की जनता को प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विधानसभा में हमको भेजा, अपना स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और विधानसभा में निर्वाचित करके भेजा। तो इसके सबसे पहले अगर कोई हकदार है तो क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के मतदाता है। मैं उनके प्रति अत्यंत विनम्रता से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, अमित भाई शाह के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी, डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे संगठन के प्रभारी पुरंदेश्वरी जी, नितिन नवीन जी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के प्रति मैं अत्यंत हृदय के अंतःकरण से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ, जिसने एक छोटे से कार्यकर्ता को कठिन समय में, चुनौती भरे समय में नेता प्रतिपक्ष का विधानसभा में दायित्व दिया। हम सब लोग मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, टीम वर्क के साथ में लड़ाई लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हुई है, विफल साबित हुई है, नाकारा साबित हुई है। इस सरकार की न तो दशा ठीक है न दिशा ठीक है। इस सरकार की नीति और नियत दोनों खराब है। इस सरकार के पास में कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार के जमाने में प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का अपराधीकरण। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के समय वादा किया था 36 बिंदु का अपने जन घोषणा पत्र में, और एक भी वादे को उन्होंने पूरा नहीं किया। सीजी लाइव न्यूज के लिए कैलाश कश्यप की रिपोर्ट।